चौथी बार है और हम आपको बार बार तकलीफ देना नहीं चाहते। तुम्हारे चाहने से मैं मर जाऊं ऐसा इंसान नहीं हूं। इस ऑपरेशन का सक्सेस परसेंटेज कितना है मेहता? ओनली 5% मैम। सब एजेंट्स को रेड अलर्ट भेज दो। सिग्नल जाने वाला है 3, 2, 1। तो दोस्तों पठान 2 को लेकर आई बड़ी अपडेट। रिसेंटली पठान के राइटर अब्बास टायरवाला ने एक इंटरव्यू में पठान 2 पर अपडेट दिया है। यह पहली बार है जब किसी ऑफिशियल शख्स की तरफ से पठान 2 पर कोई पुख्ता जानकारी सामने आई है। अब्बास टायरवाला साइरस के पॉडकास्ट साइरस सेज में पहुंचे थे जहां उन्होंने इंडस्ट्री के तमाम मुद्दों पर बात की। पठान 2 पर बात करते हुए कहा पठान 2 शेड्यूल हो गई है, स्क्रिप्ट अभी पूरी हो चुकी है, अब इसका डायलॉग लिखा जाना है। मैं आशा कर रहा हूं कि मेकर सब मुझे इसे ऑफर करेंगे। फिलहाल वॉर 2 शूट हो रही है। अब्बास ने इस बयान के बाद यह तो तय किया है कि पठान 2 पर जिससे काम चालू हो चुका है। बीते दिनों कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा बहुत तेजी से स्पाई यूनिवर्स को बढ़ाने में लगे हुए हैं। वो फिल्म को बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल अलग कहानी के साथ। इसलिए वो पूरे दमखम के साथ पठान 2 पर काम चालू कर चुके हैं। ये भी खबर है कि इस बार पठान 2 को सिद्धार्थ आनंद नहीं बल्कि साउथ के कोई बड़े डायरेक्टर डायरेक्ट कर सकते हैं। लोगों ने अनुमान लगाना भी शुरू कर दिया है कि आदित्य पठान 2 के लिए लोकेश कनगराज या एटली के पास जा सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ खबरें हैं, इन पर किसी भी तरह से कोई ऑफिशियली मुहर नहीं लगी हुई है। हाँ ये जरूर तय है कि आदित्य चोपड़ा सिद्धार्थ आनंद से इतर किसी की तलाश कर रहे हैं। पीपिंग मून की रिपोर्ट में बताया गया है कि आदित्य चोपड़ा नहीं चाहते कि स्पाई यूनिवर्स की किसी भी फिल्म में, वो चाहते हैं कि स्पाई यूनिवर्स के अंडर बनी हर फिल्म कुछ भी दोहराया जाए, एक फ्रेश और अलग मूवी दिखे, शॉर्ट्स एक्शन या डायरेक्शन में किसी भी तरह का कोई दोहराव ना हो। इसीलिए वो पठान 2 को सिद्धार्थ आनंद के हाथ में नहीं सौंपना चाहते। यही वजह है कि वो किसी नए डायरेक्टर के नजरिए से पठान 2 को दर्शकों के सामने पेश करना चाहते हैं। वैसे दोस्तों आप कितने एक्साइटेड है पठान 2 के लिए कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी शाहरुख खान के डाई हार्ट फैन है तो ऐसे ही शाहरुख खान की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।